ये जो इसमें टेबल टेनिस में जो गेम होता है, जो कंपटीशन मैच होता है अभी, ये 11 पॉइंट्स का होता है। 11 पॉइंट्स के 5 गेम होते हैं या 3 गेम होते हैं, जो 3 में से 2 जीत जाता है उसको विनर बोलते हैं। और अगर बेस्ट ऑफ 5 हो रहा है, 5 मैच खेलने हैं और उसमें जो पहले 3 जीत जाएगा वो बेस्ट ऑफ 5 का विनर होगा। इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट ऑफ 7 होता है, 7 मैचेस खेलने होते हैं, जो पहले 4 जीत जाएगा वो प्लेयर विनर हो जाएगा। इसमें जब 0 बोला जाता है, 0 को हम लोग बोलते हैं लव, लव, LOV, लव, मतलब लव मीन्स 0। जब मैच स्टार्ट होगा तो मेरा भी लव है और अभी का भी लव है, 0-0। इसमें दूसरा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, जो ध्यान देने योग्य है, एक बार में मैं 2 सर्विसेज करूँगा। 2 सर्विसेज करने के बाद स्कोर चाहे कुछ भी हो, अगली 2 सर्विसेज अभी करेगा, अभी 2 सर्विसेज कर लेगा तो फिर अगली 2 सर्विसेज मैं करूँगा। तो मैं आपको एक गेम खेल करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगा। चलिए, लव ऑल स्कोर है 0-0 और मैं सर्व कर रहा हूँ, मैं 2 सर्व करूँगा, ये मेरी पहली सर्व है, मेरा पॉइंट चला गया, आई लॉस्ट माई पॉइंट। तो चूंकि मैं पहले सर्विस कर रहा हूँ तो मेरा स्कोर पहले बोला जाएगा। मेरा क्या है, मेरा अभी भी 0 है, अभी का पॉइंट बन गया था तो अभी का 1 हो चुका है, तो स्कोर क्या हो गया, 0-1 या लव 1। अब हम लोग फिर दूसरी सर्विस करता हूँ मैं, दूसरा पॉइंट भी अभी को मिल गया, तो अब स्कोर हो गया, स्कोर हो गया लव 2। लेकिन अब चूंकि सर्विस अभी करने वाला है तो अभी के पास सर्विस जाएगी और अभी सर्विस कर रहा है उसका पॉइंट पहले बोला जाता है, तो उसको बोलेंगे 2 लव। आपकी अभी का पॉइंट गया, स्कोर हो गया 2, मेरा एक पॉइंट बढ़ा 2-1। चलो जल्दी जल्दी करो, फिर मेरा पॉइंट चला गया, नाउ स्कोर इज 3-1। लेकिन सर्विस चेंज हो गई, सर्विस मेरे पास आ गई, अब पहले किसका पॉइंट बोला जाएगा, 1-3, मेरा पॉइंट हो गया, अभी की मिस्टेक हो गई, स्कोर हो गया 2-3, मेरी सर्विस है तो 2 पहले बोला जाएगा। मैंने बाहर मार दी बॉल, स्कोर हो गया मेरा 2, अभी का 4, स्कोर सर्विस करेगा अभी तो स्कोर बोला जाएगा 4-2। चलो, फिर मैंने बाहर मार दिया, मेरे से गलती हो गई, स्कोर हो गया 5-2। अभी ने जानबूझ के पॉइंट दे दिया मुझे, एक पॉइंट मेरा बढ़ा, स्कोर हो गया 3, अभी का 5, सर्विस मैं कर रहा हूं तो मेरा पॉइंट पहले बोला जाएगा, 3-5। फिर मेरे से बाहर गई, स्कोर किसका बढ़ेगा, अभी का बढ़ेगा, मेरा मिस्टेक हुआ, 3-6, मैंने सर्विस ही मिस कर दी, फिर बाहर मार दिया मैंने, फिर अभी का स्कोर बढ़ेगा 3-7, लेकिन सर्विस चेंज हो गई, अब अंपायर स्कोर बोलेगा 7-3। चल, मेरे से मिस्टेक हो गई, 8-3, अभी का 8, मेरा 3, मेरे से बाहर चली गई, अभी का 9, मेरा 3, अब सर्विस फिर मैं कर रहा हूँ तो मैं बोल स्कोर बोला जाएगा 3-9। मेरे से सर्विस, ओ री, इसको री सर्विस कहते हैं, अभी ये भी बताता हूँ री सर्विस क्या होती। फिर मेरे से बाहर चली गई, 3-10, 3-10 स्कोर है, 11 पे मैच खत्म होना है, फिर मैंने बाहर मार दिया, फिर मेरी मिस्टेक हो गई और 3 मेरा रहा, 11 अभी का हो गया। तो ये पहला जो गेम था ये अभी जीत गया। इस तरह से जो पहले 3 गेम जीत जाएगा वो बेस्ट ऑफ 5 में उसको विनर कर दिया जाएगा। जब 3 गेम कोई जीत जाता है कंटिन्यूअसली या ब्रेक्स में भी, 3-1 कैसे भी, अगर 3 गेम जो पहले जीत जाएगा मैच को वहीं पे रोक दिया जाता है। इन केस, इसमें एक कंडीशन ये है, इन केस बोल दो, इन केस कि अभी का स्कोर जो है 10 है और मेरा जो स्कोर है 9 है, मैं सर्विस कर रहा हूँ, 9 और 10 स्कोर है, तो अपन देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर 10 ऑल हो जाता है तब, मेरा 9 है, एक इमेजिन कर लीजिए एक 9 है और अभी का इस समय 10 है,
मैंने सर्विस करी और पॉइंट मुझे मिल गया। अभी ने मिस्टेक कर दी और पॉइंट मुझे मिल गया। अब स्कोर हो गया 10-10। 11 पे मैच खत्म होना था, 11 पॉइंट पे मैच खत्म होना था, नाउ इट इज 10-10। 10-10 में क्या होगा, इस कंडीशन को कहते हैं ड्यूस, DEUCE, ड्यूस। इस कंडीशन में जीत का डिफरेंस 2 पॉइंट का होना चाहिए। अब गेम कहां पे ओवर हो सकता है कि अभी कंटिन्यूअस 2 पॉइंट ले ले तो स्कोर हो जाएगा 12-10, या मैं 2 पॉइंट ले लूं स्कोर हो जाएगा 12-10, या 15-13, या 16-14, या 13-11। कोई भी प्लेयर जो 2 पॉइंट से आगे जाएगा उसको विनर शो करेंगे। वी आर प्लेइंग एट 10-10 और अभी का 12-10 होगा, अभी 2 पॉइंट से जीतेगा मुझसे फिर से। ये मैंने बाहर मार दी, मेरी मिस्टेक हो गई, तो स्कोर क्या होगा, स्कोर हो गया 11-10, 1 पॉइंट का डिफरेंस हुआ। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और होती है, ड्यूस में जो हम लोग कंटिन्यूअस 2 सर्विस कर रहे थे, ड्यूस के बाद सर्विसेज जो हैं अल्टरनेट हो जाएंगी। एक सर्विस वो करेगा, एक सर्विस मैं करूँगा, एक सर्विस फिर वो करेगा, फिर मैं करूँगा। इसमें 2-2 सर्विस का क्राइटेरिया यहाँ पे ड्यूस पे ख़त्म हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, 11-10 स्कोर है, 10-11 पे मैं सर्विस करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा 13-11 में फिनिश करेंगे, ठीक। 1-1 हो गया, मतलब 11-11 हो गया, और सर्विस देके फिर से चेंज हो गई, अभी के पास चली गई, एक एक सर्विस करनी है। चल स्कोर हो गया 12-11। चलो मुझे ही जिता दो, मुझे ही जिताओ, और मैंने भी 2 पॉइंट फिर से ले लिया। अब स्कोर क्या हो गया, 13-11, 2 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, मेरा 13, अभी का 11। तो ये वाला गेम अगर ड्यूस से हम लोगों ने शुरू किया था तो ये गेम मैंने जीत लिया। तो मोटा मोटी क्या है, ड्यूस के बाद 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। ड्यूस 10-10 के बाद अगर मैच आगे चलता है तो सर्विस अल्टरनेट एक एक करके हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 2 सर्विस के ब्रेक में। ये मैंने आपको गेम के लिए बताया।